आपके दर्शन हमें कुंभ में ही होते हैं, इससे पहले आप कहाँ रहते हैं? हमारे दोस्तों को भी आप आशीर्वाद दे दीजिए इसमें, ताकि डायरेक्ट चला जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ अखाड़ा है। जिस प्रकार ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, उसी प्रकार ऊंट का जवाब गधे से देना चाहिए। हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजलोक यूट्यूब चैनल में। और अभी बज रहे हैं 11 और अभी हम जा रहे हैं कुंभ मेला, आज पूरा कवर करना है। तो चलिए चलते हैं और आप दिखाते हैं आपको पूरा व्यू। हम आ चुके हैं नागा बाबा के यहाँ, नागा बाबा जी के यहाँ पे। और हम ये देखिए, हम यहाँ पे जरूर दान करना चाहिए आपको, ताकि इनका आशीर्वाद मिलेगा, तभी तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इनका आशीर्वाद मिल चुका है हमको। और हमारे दोस्तों को भी आप आशीर्वाद दे दीजिए इसमें, ताकि डायरेक्ट चला जाएगा। और आप सबको भी आशीर्वाद मिल गया होगा। कल होगा, हाँ कल संस्कार होंगे। अच्छा, ठीक है। गंगा जी किनारे अमृतेश्वर नंद की महाराज जी। हम आ चुके हैं खड़े के अंदर। बाबा, अगर हम घूमने निकले कहीं पर भी, तो आपके दर्शन हमें कुंभ में ही होते हैं, इससे पहले आप कहाँ रहते हैं? उससे पहले तो बेटा हम कंदराओं में रहते हैं, हम लोग किसी को नज़र नहीं आते हैं। दूसरी बात एक और है कि हम लोग ऐसे नज़र आएंगे तो फिर हमारी मानतार वो क्या रह जाएगा। इसके लिए हम लोग कुंभ में ही इनको दर्शन देते हैं और कुंभ में ही आते हैं। देख लीजिए, अपने डमरू बजा रहे हैं, देख लीजिए। हमने इनसे जो बातचीत करनी थी वो हमने कर ली, अब अभी हम यहाँ से चलते हैं। तो बस यही है, हम इनसे बात करते हुए जा रहे हैं और बस कुंभ मेले का जो है जो लुत्फ़ उठा रहे हैं। और बहुत ही हमें मज़ा आ रहा है, आज मौसम भी बहुत अच्छा है और चल रहे हैं बस इसी तरह। देख रहे हैं यहाँ पर है किन्नर अखाड़ा, तो अभी हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं किन्नर अखाड़ा के अंदर और अभी यहाँ काफी भीड़ है, लाइन भी लग रही है। अभी हम आपको उनको दिखा देंगे। ये देखिए, इतनी लंबी लाइन है और वो देख लीजिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये जो इतने लोग हैं, सभी हाथ में 1 रुपया 10 रुपया कितने भी पैसे हाथ में रखते हैं, कॉइन रखते हैं, कॉइन सिक्का या फिर नोट, ताकि जब ये उनके पास जाए, उनके चरण छुए, तो वो उन्हें अपनी जीभ से टच करके वापस दें। तो और जो हम सिक्का उनको देते हैं ना, हाँ, तो उनके जीभ को टच करके हमें वापस दे देते हैं। हाँ, और सभी लोग उसको संभाल कर रखते हैं, लकी माना जाता है, वो लकी चीज़ है, तो अपने साथ रखनी चाहिए सब कुछ। तो यही मान्यता है, और उनके चरण स्पर्श करने से भी लोग पुण्य का काम समझते हैं, इसलिए उनको चरण स्पर्श करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सेल्फी लेते हैं, ये जो भी इनके साथ सेल्फी लेना चाहे। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। दोस्तों, हम किन्नर अखाड़ा से आ चुके हैं बाहर। अभी हम जा रहे हैं जूना अखाड़ा, जो कि सेक्टर 16 में है। हम जा रहे थे रास्ते में, तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, और चीज़ है कि योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ अखाड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये है योगी आदित्यनाथ जी का अखाड़ा। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि योगी जी का टेंट है वो कैसा है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, सोने की व्यवस्था क्या है। तो आपको हर चीज़ में आपको एक अलग से व्लॉग में दिखा हुआ, क्योंकि अगर इस व्लॉग में लिखा हुआ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो अगले वीडियो में देख लीजिएगा। और अभी हमें यहाँ से जाना था जूना अखाड़ा, जो कि हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो जाएंगे। तो ये था आज का व्लॉग, और अभी हम जा रहे हैं घर। हमारा आज का व्लॉग भी पूरा हो गया है, आप आज का घूमना फिरना भी पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी जगह हमने घूमे और बहुत सारे वीडियो शूट किए। हाँ, और बाबा साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। हाँ, और आज हमने बहुत सारे नए एक्सपीरियंस किए, हमने बहुत सारी चीज़ों को, तो आज हमें बहुत अच्छा लगा और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा निकला। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि आज का हमारे दिन इतना अच्छा जाएगा, बट बहुत ही ज़्यादा मतलब आज हमने इन्जॉय किया। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। तो अभी हम जाते हैं घर, और आप वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके सीएस के बारे में कुछ ओपिनियंस है तो प्लीज़ मुझे बताएं। और बस बारिश भी आ गई है, तो हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, नहीं तो हम गीले हो जाएंगे। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह, टाटा, बाय बाय।